तो स्टूडेंट चलते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और पार्ट भी जीके के। देखिए पुरस्कार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ट्रिक्स से आपको याद कराने वाला। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, तो 6 क्षेत्रों में। याद कैसे करना है? नोबेल भैया इतना बड़ा पुरस्कार है, तो जब छक्का मारोगे तभी आपको दिया जाएगा। 6 क्षेत्रों में जब भैया सिक्सर मारोगे तभी आपको दिया जाएगा, और 1901 में दिया जाता है। ये ऐसा एक ऐसा पुरस्कार है जो पूरी दुनिया में फेमस है, तो 1901 में। और इसमें पहले जो था वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में जो है वो अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा है। नेक्स्ट याद करते हैं कि पुलित्ज़र पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो पा से पुलित्ज़र और पा से पत्रकारिता से। देखो यहाँ भी पा है और यहाँ भी पा है, पत्रकारिता में दिया जाने वाला ये इकलौता एक ऐसा पुरस्कार है जो बहुत ज्यादा फेमस भी और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो पा से पुलित्ज़र और पा से पत्रकारिता। नेक्स्ट देखते हैं कलिंग, कलिंग पुरस्कार जो है वो किसमें दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। याद कैसे करना है? लिंग, ठीक है, क्या पकड़ना है? लिंग पकड़ना है। लिंग जो आपकी बात होती है वो या तो स्त्रीलिंग होता है या फिर पुल्लिंग होता है, तो या तो हिंदी में बात होती है या फिर विज्ञान में, कि लिंग जो है वो कैसे पहचानेंगे, तो साइंटिस्ट लोग पहचान पाते हैं, डॉक्टर लोग पहचान पाते हैं, या फिर हिंदी में बात होती है, तो हिंदी में तो दिया नहीं जाता है। हिंदी में बात करें तो साहित्य में, तो साहित्य में तो लिंग की कोई बात होती नहीं है, तो किसमें दिया जाएगा? विज्ञान में दिया जाएगा। लिंग के बारे में कौन बताता है? डॉक्टर लोग बताते हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं? विज्ञान, विज्ञान पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ, तो जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आप साहित्य में कुछ लिख पाओगे, नहीं तो लिख ही नहीं पाओगे। साहित्य में लिखने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत पता चले उल्टा सीधा लिख दिया बहुत मार पड़ जाएगी। बोर लॉग, तो बोर 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 लॉग है, बोर हो गए, क्या बोर हो गए? कृषि क्षेत्र, कृषि का काम करते करते बोर हो गए, क्योंकि एक किसान जो बहुत मेहनत करता है, सुबह जाता है, धूप पूरी पड़ती है, बेचारा कितना भी बोर हो, क्योंकि खेत पे आप देखते हो नेटवर्क वगैरह नहीं आ पाते हैं, कितने भी बोर हो लेकिन हमारे जो किसान हैं वो मेहनत करते हैं और कृषि में बहुत ज्यादा उत्पादन करते रहते हैं। कृषि में आप, कृषि के काम में क्या होगा? आप बोर हो जाओगे क्योंकि खेत पे नेटवर्क ही नहीं आते। नेक्स्ट है ब्यास सम्मान, तो ब्यास जो है वो किसमें मिलता है? साहित्य। ब्यास से आपको याद रखना है कि प्यास, प्यास होनी चाहिए किसकी? साहित्य की होनी चाहिए, लिखने की होनी चाहिए, तो ब्यास आपका साहित्य में। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और मैं साथ में बता दे रहा हूं, अगर आपको पुरस्कार ना पता हो तो आप साहित्य लगा के चले जाइए, क्योंकि 10 में से 9 पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, तो ब्यास सम्मान जो है वो साहित्य में। नेक्स्ट है ग्रेमी पुरस्कार संगीत में, तो ग्रेमी से ग्रेमी को कैसे याद करेंगे? ग्रेमी मतलब गेम, ऐसे गेम, और गेम में क्या बजता है? संगीत। छोटे छोटे बच्चे देखो गेम वगैरह खेलते रहते हैं, तो क्या करते हैं उसमें, गेम में क्या आता है? संगीत आता रहता है, तो ग्रेमी पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत से। तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपका 1 तारीख तक बहुत कोशिश करूंगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा वीडियो जीएस के करा पाऊंगी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इतने कोई डिफिकल्ट नहीं आने वाले, हल्का बेसिक ही पूछा जाएगा, तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लगातार वीडियोस।